देखिएगा दोस्तों, अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम। 633 raised to power 24, तो मुझे सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। यहाँ पे तीन है, तीन की पावर 24, 24 को चार से भाग दिया, एग्जैक्टली डिविजिबल है, मतलब तीन की पावर चार पे जो इकाई का अंक रहेगा वो यहाँ का आंसर होगा, माइनस। ऐसे यहाँ पे सिर्फ सात पे फोकस करिए, पावर को चार से भाग देना पड़ेगा, चार निम 36, रिमाइंडर रहेगा दो, तो आप लिखेंगे सात की पावर दो प्लस। वहां पे देख रहे हैं 266, सिर्फ 6 पे फोकस करिए, 6 की कितनी पावर करेंगे, इकाई का अंक कितना रहेगा, 6, क्लियर। अब हम इनको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। 3 की पावर 4 अगर भाई कर लें तो कितना आता है, 81, इकाई का अंक 1 रहेगा, माइनस। 7 की पावर अगर 2 कर लें तो 49, इकाई का अंक कितना रहेगा, 9 प्लस, लास्ट में कितना था, 6। सिर्फ इन चीजों पर फोकस आपने करना है। तो भाई 1 माइनस 9 कितना रहा, माइनस 8, माइनस 8 में अगर 6 ऐड कर दिया तो कितना आएगा, माइनस का 2। लेकिन एक बात हम लोगों ने सीखी है कि माइनस में यूनिट डिजिट नहीं आता है, या तो उसमें 10 ऐड कर देना पड़ेगा, तो 10 माइनस 2 आंसर हमारे सवाल का फाइनली कितना आ रहा होगा, 8। 8 इज योर राइट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए। 164 raised to the power 169, मुझे 164 से मतलब नहीं है, सिर्फ 4 से मतलब है। 4 की पावर एक ओड नंबर मुझे दिखा, बस रूल ध्यान में आना चाहिए अंक को देखते ही, 4 की पावर एक ओड नंबर दिखा, 4 की कोई भी छोटी सी ओड पावर ले लो, कितनी, 1 ले लिया भाई प्लस। ऐसे 333 नहीं, 3 से मतलब है, 3 के लिए तो 4 से भाग देना पड़ेगा, और 4 का रूल भी जानते हैं, लास्ट के दो अंकों को 4 से भाग दीजिए, 4 निम 36, रिमाइंडर कितना आएगा भाई, 1 आएगा, तो आपने बस वही लिखना है, 3 की पावर 1 माइनस। ऐसे ही 727 पे नहीं, सिर्फ 7 पे फोकस करिए, यहां भी पावर को 4 से भाग देना है, लास्ट के दो अंकों को 4 से भाग दीजिए, रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा, तो लिखेंगे 7 की पावर 2। समझ आ रही होगी बातें आपको, 4 प्लस में 3 कितना हो गया भाई, 7 हो गया, माइनस में 7 का स्क्वेयर कितना रहता है, 49, यूनिट डिजिट कितना, 9 रहेगा, तो भाई 7 में से 9 तो माइनस नहीं कर सकते, कैरी लेना पड़ेगा, कितना हो गया, 17 हासिल पाई, 17 17 माइनस 9 कितना आएगा, 8 अपने सवाल का राइट आंसर। या फिर दूसरा तरीका आपको बताइए, 7 माइनस 9 कितना आएगा, माइनस 2, माइनस में होता नहीं है, प्लस 10 कर दो तो कितना आएगा, 8, उसी तरीके से आंसर कर सकते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए, जरा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, काफी बड़ा जरूर दिख रहा है लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान से देखिए, उड़ाते चलेंगे। यहां पर कितना का एक अंक, 8, 8 की पावर 101, आपने क्या करना है, पावर को 4 से भाग देना, 8 का रूल तो यही कहता है, तो भाई 01 है लास्ट के दो अंक, तो 01 को 4 से अगर भाग देंगे ना, आप मेरी बात समझना कि भाई 1 को 01 मतलब एक ही है, 1 को अगर 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 ही आएगा, वो कैसे आएगा, क्योंकि ये कितने पे जाएगा, 0 पे, 400, तो रिमाइंडर कितना आ रहा होगा, 1, मतलब डिवाइजर से अगर छोटा डिविडेंड है, ये भाग देने वाली संख्या अगर इस संख्या से छोटी है ना, तो रिमाइंडर यही बचेगा। मान लो मैं आपसे कह दूं भाई 2 को 5 से भाग देना, रिमाइंडर बताओ, तो आप कहेंगे रिमाइंडर कितना आएगा, 2 ही आएगा, क्योंकि ये भाग ही 0 पे जाएगा, 500, रिमाइंडर कितना, 2, तो यहां रिमाइंडर 1 बचेगा भाई, क्योंकि यहां 1 है, 1 को अगर 4 से भाग देंगे रिमाइंडर 1, तो 8 की पावर 1, 8 ही रहता है, इनटू यहां 644 मुझे दिखा, मतलब 4 पे मैं फोकस करने वाला हूं, और 4 की पावर मुझे एक ओड नंबर दिख रहा है, तो एक छोटा सा ओड नंबर 1 ले सकता हूं, 4 की पावर 1, 4 ही रहेगा, गुणा कर दिया इन दोनों को प्लस में। अब स्टेप वाइज करते जाइए, बस कोई भी दिक्कत नहीं है। यहां पे 9 है, 9 की पावर एक इवन नंबर दिखा, 9 की पावर 2 करते हैं तो 81 रिजल्ट मिलता है, जो कि 1 रहता है, माइनस 9 की पावर 2, 81 रहता है, रिजल्ट 1 मिलेगा यहां से। उसके बाद देखिए माइनस का साइन, 207, 7 पे फोकस करिए, 85, 85 को 4 से भाग दिया भाई, 84 तक भाग चला गया, रिमाइंडर 1 रहा, तो 7 की पावर 1, 7 रहेगा, माइनस। यहां 343 नहीं, 3 पे फोकस करिए, पावर को 4 से भाग दिया भाई, 3 वहां से रिमाइंडर बचेगा, पावर यहां पे 43 है, 43 को 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर 3, और 3 की पावर 3 कितना रहता है भाई, 27, 27 मतलब कितना रहेगा, 7 रहेगा यहां भी, क्लियर। और यहां पे भी कितना था, 7 ही था, 7 की पावर 1 बच रहा था। अच्छा, लास्ट वाले पे अगर फोकस कर ले, यहां पे 5 है, और 5 की कितनी ही पावर करे जाए, कितना आएगा यूनिट डिजिट, 5, ऐसा कुछ हमने यहां पर लिख दिया भाई। 8 गुणा 4 कितना रहता है, 32, और 32 में यूनिट डिजिट कितना रहता है भाई, 2, प्लस में कितना आ गया, 1, माइनस में 7, माइनस में 7, माइनस में 5, समझ में आई बातें, 2 जमा 1 कितना रहता है, 3, 2 जमा 1, 3, माइनस
माइनस सात कितना आएगा, माइनस फोर्टीन और -5 -19, और -19 में यूनिट डिजिट कितना रहता है, 9। जैसे ही डिजिट 2 बने आपने सिर्फ एक डिजिट पे फोकस करना, यूनिट पे। 7 और 7 14 14 और 5 19, माइनस का 19 बनना था लेकिन मुझे सिंगल यूनिट डिजिट चाहिए जो कि कितना है, 9। अब 3 में से 9 हम नहीं घटा सकते भाई, कैरी लेना पड़ेगा। यहां 3 की जगह क्या बना लेते हैं, 13, और 13 में से 9 घटाया, फाइनल आंसर कितना रहेगा सवाल का, 4। 4 आपके सवाल का सही उत्तर है। क्लियर भाई? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को और आंसर करने की कोशिश करें, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ द यूनिट डिजिट ऑफ दैट नंबर इज n प्लस 2, यहां पे आपको 3 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन दिया गया लेकिन ये डिजिट मिस कर रखा है 3 यहां से, और कह रहा है इनका जो यूनिट डिजिट रहेगा वो रहेगा n प्लस 2, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। हिंदी में बात करें, यदि इन 3 संख्याओं का गुणनफल जिसमें ये वाला डिजिट आपका मिस कर रखा है का इकाई का अंक n प्लस 2 है तो n का मान बताइए यहां पे क्या रहेगा। ध्यान से फोकस करें, ध्यान से देखिएगा, यहां यूनिट डिजिट है भाई 3, यहां पे कितना है 6, और यहां पे कितना है n। इन तीनों को गुणा करेंगे तभी तो मुझे फाइनल यूनिट डिजिट मिलेगा। तो 3 को 6 से गुणा किया कितना आएगा भाई 18, 18 को गुण 18 में यूनिट डिजिट कितना रहता है 8, 8 को अब गुणा करना है कितने से n से, 8 को गुणा करना है n से, और गुणा करने के बाद जो यूनिट डिजिट फाइनली मिलेगा वो क्या रहेगा n प्लस 2। अब n की ऐसी वैल्यू बतानी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। ऑप्शन से उठाइए जरा, अगर मैं n का मान 1 रख देता हूं ऑप्शन से तो 8 गुना 1 भाई कितना बनाएगा 8, और उधर 1 जमा 2 कितना बनाएगा 3, लेकिन ये दोनों तो बराबर नहीं हुए तो ये ऑप्शन हो गया गलत। अगर मैंने उठाया यहां से 8, 8 गुना 8 बनाएगा भाई कितना 64, और 8 जमा 2 बनाएगा भाई कितना 10, ये भी आपस में बराबर नहीं हुए, ये भी हो गया गलत। अगर मैंने उठाया 3, 8 गुना 3 हो गया भाई कितना 24, और 3 यहां पे रखा, 3 जमा 2 कितना बन गया 5, ये भी आपस में इक्वल नहीं हुए, ये ऑप्शन भी हो गया गलत। डी बचता है, यही आंसर रहेगा। देखिए चेक कर लेते हैं इसको, 8 गुणा अगर मैं यहां पे 6 रखूं, 8 छिंग कितना बन गया 48, 48 में यूनिट डिजिट 8 रहेगा। और ऐसे ही अगर यहां पे n की वैल्यू में 6 रखूं तो 6 दमा 2 कितना बन गया भाई 8, यहां पे भी यूनिट डिजिट 8 बन रहा है, इधर भी 8 है और इधर भी 8 है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करने लग रहा है, तो ये ऑप्शन हमारे सवाल का क्या रहेगा भाई आंसर। क्लियर? देखो यहां पे यूनिट डिजिट 4 था, यहां पे 0 था, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, यहां पे 4 था, यहां पे 5 था, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, ये 8 और 3 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, 8 = 8 ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। डी जो एन का मान यहां पर रहेगा, डी ऑप्शन रहेगा 6 हमारे सवाल का आंसर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ध्यान से देखिएगा, 777 की पावर 666, 555 की पावर 333, ऐसे करके 5 नंबर लिखे गए हैं, तो हमें कैसे सोल्व करना है इसको। आप देख पा रहे हैं लास्ट के एक डिजिट पे फोकस करना है हमने, सिर्फ यूनिट डिजिट पे, बाकी को छोड़ देना। तो 7 की पावर ये है 666, तो भाई 7 का चेक करते हैं पावर को 4 से भाग करके, लास्ट के दो अंकों को 4 से भाग देना है, तो 66 को अगर 4 से भाग देंगे ना तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2, तो 7 की पावर 2 आप यहां पे लिख रहे होंगे। प्लस 555 में 5 पे फोकस करना है, 5 की कितनी ही पावर कर लो 5 ही रहता है यूनिट डिजिट। प्लस 8 पे फोकस करना है, यहां पे 8 के लिए हम पावर को 4 से भाग देते हैं, लास्ट के दो अंकों को 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा 2, तो 8 की पावर 2 लिख रहे होंगे यहां पे। प्लस 4 में हम चेक करते हैं इवन और ओड, तो ये आपको 4 की पावर क्या दिख रही है भाई, इवन नंबर दिख रही है, तो एक छोटा सा इवन नंबर ले लो 4 की पावर 2, 1 की पावर कितनी ही कर लीजिए यूनिट डिजिट 1 रहेगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? तो 7 की पावर 2 करें 49, यूनिट डिजिट 9, प्लस में आ गया 5, 8 की पावर 2 मतलब 64, यूनिट डिजिट 4, 4 की पावर 2 मतलब 16, यूनिट डिजिट 6, प्लस में कितना आ गया 1, सबको जोड़ना है आंसर आ जाएगा। 9 और 5 14, 4 18, 6 24 और 1 25, 25 में यूनिट डिजिट कितना रहेगा 5, ये अपने सवाल का उत्तर है। अगले क्वेश्चन का आंसर करें जरा, मैं जानना चाहता हूं 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब ऐसे करके प्लस 99 के क्यूब में यूनिट डिजिट क्या आएगा अगर इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो मेरी बात ध्यान से समझिए भाई, 1 से लेके 2 3 4 ऐसे करके कितना जा रहे हैं 99, ये सब रहते हैं नेचुरल नंबर, और मुझे इनका क्या चाहिए क्यूब। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का योग
सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ये क्या रहता है भाई, ध्यान रखिएगा, n इंटू एन प्लस वन बाय टू, n इंटू एन प्लस वन बाय टू, ये तो रहता है प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, n इंटू एन प्लस वन बाय टू। अगर मुझे इनके घनों का योग चाहिए ना, तो इस पूरे का क्या कर देते हैं भाई, स्क्वेयर कर देते हैं, स्क्वेयर, ये आएगा अपने पास आंसर निकल के। ध्यान से देखिएगा, n का मान है भाई 99, n की वैल्यू 99, इसमें पुट करो 99 इंटू 99 और एक कितना हो गया 100, अपॉन में आया 2 और उसका कर देना हमने क्या, स्क्वेयर, क्लियर, स्क्वेयर कर देना है। तो ध्यान से अगर आप देख रहे हैं, 2 से 100 को काटेंगे तो कितना आ गया 50। अब मुझे गुणा वुणा नहीं करना कुछ भी, 99 गुणा में 50 है, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि भाई इसको गुणा करेंगे तो लास्ट में क्या आएगी, 0, और 0 का भी स्क्वेयर करेंगे तो लास्ट में क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। और मेरे से ये पूछा गया था कि इन सबको जोड़ने के बाद इसमें लास्ट में इकाई का अंक कितना आएगा, तो मेरे सवाल का आंसर क्या रहेगा भाई, 0, दैट इज योर आंसर। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम, ध्यान से देखिएगा, दोनों ही बड़े अच्छे क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से सोल्व करना है इन क्वेश्चंस को। 4 को गुणा करना है 9 का स्क्वायर, गुणा 4 का क्यूब इंटू 9 की पावर 4, गुणा 4 की पावर 5, गुणा 9 की पावर 6, ऐसे करके ये वैल्यू चलने लग रही है, डॉट डॉट का मतलब कंटिन्यूस सीरीज है, इंटू में 4 रेज टू पावर 99 इंटू 9 रेज टू पावर 100। तो आप ध्यान से सोचिए कि भाई 4 तो 4 एज इट इज रह जाएगा, इंटू 9 की पावर अगर 2 करें, 9 की पावर एक इवन नंबर है, 81 मतलब 1 रहेगा, इंटू का निशान, मल्टीप्लाई, 4 की पावर 3 करे 64, 4 आएगा, 9 की पावर 4 करे एक इवन नंबर, अगर इवन नंबर यहां पे 4 है तो यहां पे 2 था, इवन नंबर पे 1 ही आता है यूनिट डिजिट, 4 की पावर 5 करे, इवन ओड का रूल लगेगा, मतलब 4 और 9 ही तो दिख रहा है मुझे बेस, 4 और 9 पे इवन ओड का रूल लगता है। तो ध्यान से देखिए, ये 4 की पावर 5 है भाई, एक ओड नंबर है तो ओड नंबर है तो 4 रहेगा, 9 की पावर इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट 1 रहेगा, तो ऐसे ही तो चलता रहेगा ये सिस्टम, लास्ट में भी ऐसा ही आएगा, 4 की पावर एक ओड नंबर है, 4 की पावर ओड नंबर, 4 की पावर 1 ले लो 4 आएगा, 9 की पावर इवन नंबर, 9 की पावर 2 ले लो 81 मतलब 1 आएगा। तो आप अगर ध्यान से सोच रहे हैं इस बात को, तो ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके गिनती चल रही है, कितने तक, 100 तक, तो ये 100 टर्म्स होंगी जरूर, 100 टर्म्स होंगी, तो एक से गुणा करने का तो कोई मीनिंग रहता नहीं है भाई, एक से गुणा करेंगे तो सेम ही रह जाएगा, तो एक अपने पास कितनी बार आएगा, 50 बार, ऐसे ही चार भी भाई अपने पास कितनी बार आएगा, 50 बार, देखो 50 टर्म 4 की है और 50 टर्म 9 की है, तो एक से गुणा करने का मीनिंग नहीं है, मुझे सिर्फ 4 को गुणा करना है, और 4 को गुणा करना है कितनी बार, 50 बार, तो लिख सकता हूं भाई 4 की पावर कितना, 50, 4 की पावर कितना, 50, समझ में आई होगी ये बात आपको, 4 रेज टू पावर 50 सोल्व करना है और मुझे यूनिट डिजिट बताना है अब कितना आएगा, तो 4 की पावर फिर से ये कैसा नंबर है, इवन नंबर है, 4 की पावर इवन नंबर छोटा सा ले लो 2, 4 की पावर 2 16, 16 में यूनिट डिजिट 6, यही अपने सवाल का क्या रहेगा भाई आंसर। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, नेक्स्ट वाले पे, 4 प्लस इस बार दे रखा साइन किसका, प्लस का, उधर मल्टीप्लाई का साइन था, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे 4 की पावर 1 मतलब 4 रहेगा, 9 की पावर 2 मतलब 81 1 रहेगा, यहां 4 की पावर 3 फिर से एक ओड नंबर है मतलब कितना आएगा 4, यहां एक इवन नंबर है मतलब 1 आएगा, यहां एक ओड नंबर है 4 आएगा, यहां इवन नंबर 1 आएगा, ऐसे करके लास्ट में चले जाओ, 4 की पावर एक ओड नंबर है 4 आएगा, अब तक आप ये बातें समझ चुके होंगे भाई, रट चुकी होंगी ये बातें आपको, 9 का इवन नंबर पावर है तो कितना आएगा 1, तो आप भली बात ही समझ गए ये बात, ये पावर कितनी है 100, 4 की पावर 50 रहेंगी और 9 की भी पावर कितनी रहेंगी, 50 बार रहेंगी मतलब, क्लियर। अगर 4 को 1 में जोड़ लूं तो कितना बनाएगा 5, यहां गुणा नहीं करना, यहां वैल्यू 1 की इंपॉर्टेंस रखती है, आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, 4 में एक जोड़े कितना आएगा 5, प्लस 4 में एक जोड़े कितना आएगा 5, मतलब 2 टर्म्स मिलके एक वैल्यू बना रही है 5, 100 टर्म मिलके 50 वैल्यू बनाएगी, यहां पे 5 बना, ये 5 बना, ये 5 बना, तो कितनी बार आएगा ये 5 अपने पास, 50 बार, 5 आएगा भाई कितनी बार, 50 बार, तो दो चीजें हैं, यहां मैंने 5 को जोड़ना है कितनी बार, 50 बार, या तो मैं 5 को 50 बार जोड़ लूं, या 5 को 50 से क्या कर दूं, गुणा, आंसर तो सेम ही आएगा, 5 को 50 से गुणा करेंगे 250, यूनिट डिजिट कितना रहेगा 0, यही अपने सवाल का क्या है आंसर, इन सब में यूनिट डिजिट निकालना होता है, क्लियर है भाई।
चलिए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन हम करते हैं, ध्यान से देखिए। अब ये जो क्वेश्चन है ये है फैक्टोरियल वाले। आपको ये जो साइन दिख रहा है यहाँ पे, ये फैक्टोरियल का साइन है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो मैंने लिखा भाई 2 फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल को लिखने के भी 2 तरीके हैं। इस साइन को फैक्टोरियल ऐसे डिनोट किया जाता है, इसको बोला जाता है फैक्टोरियल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2 का फैक्टोरियल है। और इसको लिखने का तरीका ये रहेगा, 2 फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे तो 2 गुणा 1 मतलब कितना आएगा 2। 1 फैक्टोरियल मतलब कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। और 0 फैक्टोरियल भी कितना रहता है, 1 रहता है। 2 फैक्टोरियल 2 गुणा 1 मतलब 2 आएगा। 3 फैक्टोरियल की बात करूं मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1 कितना आएगा, 6 आएगा। 4 फैक्टोरियल की बात करूं मतलब 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 मतलब कितना आएगा, 24 आएगा। 5 फैक्टोरियल की बात करूं तो भाई 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 मतलब कितना आएगा, 5 चौक 20, 20 60, 60 दूनी कितना, 120। अब 5 फैक्टोरियल को हम ऐसे भी कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल को सोल्व कर रहे हैं तो ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणा में कितना, 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे तो वही आएगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ये हम अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ते थे भाई, समझ पा रहे हैं। तो ये कितना बनेगा, 120। ये फैक्टोरियल को सोल्व करने का तरीका रहता है, मतलब 5 फैक्टोरियल लिखा है तो 5 से गुणा करते हुए, कम करते हुए जाना है कितने तक, 1 तक। अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिए आप। 973 की पावर है 234 फैक्टोरियल इनटू 234 की पावर है 973 फैक्टोरियल। ध्यान से समझिएगा बात को, ये 973 में हमने सिर्फ फोकस करना है यूनिट डिजिट पे। यहां पे कितना है, 3। तो 3 की पावर हम चेक करते हैं 4 से डिवाइड करके। क्लियर भाई, 4 से डिवाइड करके। तो 234 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 234 गुणा 233 गुणा 232, ऐसे करके ये नंबर जा रहा होगा आगे लास्ट तक, 1 तक जा रहा होगा भाई। तो हमें तो क्या करना है, इस पूरे को कितने से डिवाइड करना है, 4 से। इस पूरी पावर को डिवाइड करना है कितने से, 4 से। तो आप मुझे गौर से बताइए एक बात समझ के कि क्या ये पावर 4 से डिवाइड हो जाएगी। भाई देखो कोई भी नंबर पे फोकस करो, 232 को देखो ध्यान से, क्या 232 4 से भाग हो जाएगा, यस। लास्ट में कितना है, 32, ये 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो बहुत सारी ऐसी पावर बीच में आ रही होगी, 4 भी आएगा, 16 भी आएगा, 32 भी आएगा, बहुत सारी आ रही होगी, 4 से सब डिविजिबल होंगी। तो मतलब ये जो पावर आपके पास है 234 फैक्टोरियल, ये 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो जब भी पावर 4 से डिवाइड हो जाती है, तो मैंने आपको बताया था कि 3 की पावर 4 पे जो यूनिट डिजिट रहेगा वो हमारा आंसर बना रहा होगा इनटू। ऐसे ही अगर यहां पे गौर से देखूं तो ये 234 है, मुझे 234 पे गौर नहीं करना, मुझे इसके यूनिट को देखना है जो कि कितना है, 4। तो 4 की पावर 973 का फैक्टोरियल, 4 को चेक करते हैं इवन ओड से। आप मुझे एक बात बताओ यार, 973 का फैक्टोरियल खोलोगे मतलब 973 गुणा 972 गुणा 971 ऐसे ही कुछ चलने लग रहा होगा, यस और नो, क्लियर है बात। तो भाई इनको अगर आप गुणा करोगे तो लास्ट में 0 तो बनेगी बनेगी, बनेगी या नहीं बनेगी, 973 चलेगा, ऐसे करके 5 भी आएगा। 5 को किसी इवन नंबर से गुणा करेंगे, 971, 970, फिर 965 भी आना है, 5 को किसी इवन नंबर से गुणा करेंगे, यूनिट डिजिट 0 बनाएगा, बनेगा नहीं बनाएगा। और लास्ट में 0 आ रहा है या 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो वो सारे नंबर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाते हैं, मतलब एक इवन नंबर बनाएगी ये पावर हमारी। अगर ये इवन नंबर बनाएगी तो 4 की कोई भी छोटी सी इवन पावर ले लो, 2 ले लिया मैंने। 3 की पावर 4 कितना रहेगा भाई, 81, 1 आएगा यूनिट डिजिट। 4 की पावर 2 किया तो कितना आएगा, 16, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6। 6 को 1 से गुणा किया, सवाल का उत्तर कितना रहेगा, 6। तो फैक्टोरियल के क्वेश्चन को इस तरीके से हम सोल्व करते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े और आंसर करने की भाई कोशिश करे जरा। देखिएगा, 1 फैक्टोरियल की पावर 99, 1 फैक्टोरियल मतलब 1 ही रहता है, 1 की पावर 99 करेंगे तो 1 ही आएगा मेरे पास, क्लियर। 2 फैक्टोरियल मैंने आपको सोल्व करके बताया 2 ही रहता है भाई। 2 की पावर अगर 98 करते हैं तो हमें पता है पावर को 4 से डिवाइड करना होता है। अगर 98 को 4 से डिवाइड करूंगा 96 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, रिमाइंडर बचेगा 2, तो मैं लिखूंगा 2 की पावर 2 प्लस। ऐसे ही देखो, जो भी फैक्टोरियल के क्वेश्चन रहते हैं ना, वो दिखने में थोड़े अजीब होते हैं लेकिन वो बहुत आसान होते हैं। आप बस पेशेंस से उनको सोल्व करते जाएं, किसी एक पॉइंट पे आके वो बहुत ज्यादा आसान बन जा रहे होंगे। ध्यान से देखिए, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1 मतलब कितना रहता है भाई, 6। और 6 की पावर 97, 6 की कितनी ही पावर करो, यूनिट डिजिट 6 ही आएगा प्लस। ऐसे ही आगे बढ़े, 4 फैक्टोरियल मतलब रहता है 4 गुणा 3 गुणा 2 मैंने लिखा, कितना होता है, 24। 24 इसका मान है 24।
24 पे फोकस नहीं करना, किस पे करना है, 4 पे। 4 की पावर कैसा नंबर दिख रहा है, एक इवन नंबर दिख रहा है। इवन नंबर दिख रहा है मतलब यूनिट डिजिट रहेगा 6। 4 का छोटा सा छोटी सी इवन पावर ले लो, 4 की पावर 2 कितना रहेगा, 16, 6 आएगा प्लस। उसके बाद भाई आना है 5 फैक्टोरियल, बस यहीं से कहानी बननी स्टार्ट हो जाएगी 5 फैक्टोरियल से। 5 फैक्टोरियल की पावर आएगी कितनी, 95। 5 फैक्टोरियल को सोल्व करते हैं तो 120 आएगा, यस और नो, 120 आएगा। 120 पे फोकस नहीं करना, किस पे फोकस करना है, 0 पे। और 0 की आप कितनी पावर खोलते हैं भाई, कितना रहेगा यूनिट डिजिट, 0। अब बात अगर कर ले 6 फैक्टोरियल रहेगा 6 × 5 × 4, या ऐसे कर ले 6 × 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, 120। 120 को 6 से गुणा करूंगा आएगा 720, मतलब आगे आने वाली संख्या है 720। अब हर एक संख्या में 0 तो आएगी, आप ये बात समझ गए होंगे। आगे चाहिए 6 फैक्टोरियल खोल लो, 7 फैक्टोरियल खोल लो, सब में 0 आनी है। और एक बार अगर 0 आ गई तो 0 की कितनी पावर कर लीजिए, कितना आता जाएगा आगे, 0 आता जाएगा भाई, 0। यहीं पे खत्म हो गई चीजें हमारी, बस इसको सोल्व करना है। 1 × 2 की पावर 2 = 4 × 6 × 6, यही आंसर करेगा। आगे का तो सारा यूनिट डिजिट 0 बनेगा। 6 और 6 कितना, 12, 12 और 4 16, 16 और 1 कितना, 17, 17 में यूनिट डिजिट कितना रहता है, 7। दैट इज योर आंसर भाई। मैंने सभी तरीके के आपके क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, सारे फैक्टोरियल वाले कर दिए, पावर वाले कर दिए, सिंपल जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे क्वेश्चन कर दिए। आप सिर्फ इन क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर लें, अच्छे से दोहरा लीजिए। इन क्वेश्चन की पीडीएफ मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, आप इनको सोल्व कर लो, आपको यूनिट डिजिट में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट है यूनिट डिजिट का। और एक बात आप लोगों के साथ जरूर शेयर मैं करना चाह रहा हूं फिर से, कि भाई इस वीडियो को अगर आपको ये अच्छा लगता है तो इन चीजों को शेयर जरूर किया करें और लाइक भी किया करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मैं आपको कंप्लीट नंबर सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे करवाऊंगा। मैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ा चुका, यूनिट डिजिट पढ़ा दिया, इसके बाद रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन, पावर सर्ट्स, मैं सारे टॉपिक यहां से आपको कराऊंगा। उसके बाद एपीजीपी सीरीज पढ़ेंगे, ये सारे टॉपिक आपको कराऊंगा, बस मुझे आपका सहयोग चाहिए। क्लियर है भाई? चलो, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद यार, आपका दिन शुभ हो।